आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में गरीब और आदिवासी परिवार की बेटियों को इस योजना के तहत निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने बताया कि उन्हें निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण में सूट, ब्लाउज, प्लाजो के साथ ही दूसरे डिजाइनर कपड़ों की सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूट है, ब्लाउज़ है, प्लाजो है और फ्रॉक है, पेटीकोट आदि चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती है। और यहाँ की जो हमारी मैडम है, ललिता मैम हमारी ट्रेनर है, हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाई जा रही है और ये जो ट्रेनिंग है हम लोगों के भविष्य के लिए काम आएगी। केंद्र के सहायक परियोजना अधिकारी अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि बच्चियों को विशेष तौर पर चयनित कर उन्हें सिलाई मशीन ऑपरेटर के प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कौशल विकास योजना के तहत सिलाई मशीन की ट्रेनिंग का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी अपने एससी एसटी या ओबीसी या जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएँ ऐसे जो कि स्कूल की मुख्य धारा से छूट गए थे किसी भी कारणवश, उनको वर्तमान में हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदाय कर रहे हैं। और जो बैच अभी वर्तमान में चल रहा है वो 14 सितंबर तक कंप्लीट होने की संभावना है उसकी। उसके पश्चात लगभग 20 बच्चे जो सिलाई मशीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से 12 बच्चों का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि आदिवासी और गरीब परिवार की 20 बच्चियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से अधिकांश छात्राओं को उनकी सिलाई में विशेष दक्षता के आधार पर तमिलनाडु की कंपनी में नौकरी के लिए चयनित कर लिया गया है। जिले के लाइवलीहुड कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है विकसित करने की जो योजना है हमारी वो सफल रूप में परिणित हो रही है और इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 20 बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें जो है FRA परिवार की भी बच्चियाँ शामिल हैं और इनमें से जो 9 बच्चियाँ हैं उनका कैंपस सिलेक्शन तमिलनाडु की एक कंपनी के द्वारा किया जा चुका है और जिसमें इनको लगभग 10,000 रुपये प्रतिमाह आय भी होगी। गौरतलब है कि सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण 600 से अधिक छात्राओं को दिया जा चुका है जिनमें से 75% छात्राएं खुद के व्यवसाय के साथ ही अलग अलग स्थानों में नौकरी कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं।